नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज कुछ काम ऐसा ही कुछ खास नहीं था, तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ मेरे पास कौन से व्हीकल है और मैं कौन से व्हीकल रेंट पे देता हूँ। तो चलो मैं आप दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी JCB की 3DX बैक होल लोडर है, वो किर्लोस्कर इंजन वाला मॉडल है, आप देख सकते हैं। और एक हमारे पास JCB की 3DX किर्लोस्कर, ऐसी दो मशीनें हमारे पास है। मशीन की कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी बरसात का सीजन चल रहा है ना, इसी की वजह से थोड़ी सी गंदी हो गई है। अभी सर्विसिंग करना इसका बाकी है, अभी इसे सर्विसिंग करेंगे तो चकाचक करेंगे। टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये मशीन लोडर में बहुत अच्छी चलती है, किर्लोस्कर इंजन दिया है। थोड़ा सा इसका लीकेज का काम करना बाकी है, आप देख सकते हैं डिपर का सिलेंडर जो है ना वो थोड़ा सा लीकेज है, बूम का सिलेंडर थोड़ा सा लीकेज है, ये सील का प्रॉब्लम चलता ही रहता है। मशीन पुरानी होगी तो सील का प्रॉब्लम देगा ही देगी। अभी इसमें पाइपलाइन वाला बकेट लगा है, बकेट की हालत आप देख सकते हैं। बकेट के दांत की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, पूरी मेंटेन हमने मशीन करके रखी है, सिर्फ इसका कलर ही थोड़ा सा चला गया है, लेकिन मशीन चलने में बहुत अच्छी चलते है। हार्ड मटेरियल निकालने के लिए तो इससे अच्छी कोई मशीन नहीं है, मेरे एक्सपीरियंस में तो इससे अच्छी कोई मशीन नहीं है 3DS के अलावा। और यह हमारा सोनालिका 47RX ट्रैक्टर आप देख सकते हैं, इसे हम सिर्फ मशीन के नीचे मिट्टी या खेत का मटेरियल स्टोन रहता है और ढुलाई के लिए हम इसके इस्तेमाल में लाते हैं। ट्रैक्टर की हालत आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर भी हमारा अच्छा कंडीशन में है। ये भी थोड़ा सा गंदा हो चुका है, पीछे एक ब्रास की ट्रॉली लगी है और उसमें हमने ट्रक के टायर रहते हैं ना 1000 पीस के, वो टायर लगाए हैं। इस टायर की खासियत यह है कि इस पे आप कितना भी लोड डालिए, टायर में और एक्सल में कोई दिक्कत आती नहीं। वैसे इसी वजह से हमने इसमें 1000 पीस के टायर लगाए हैं। अभी ऐसा कुछ काम नहीं चल रहा बरसात की वजह से, तो दोनों ही व्हीकल अभी खड़े हैं हमारे। आप देख सकते हैं दोनों व्हीकल सामने की तरफ से। जो हमारी दूसरी मशीन है ना 3DX, वो अभी चल रही है, यहाँ से महाराष्ट्र में लातूर जिले में वो चल रही है, वहाँ पे कंपनी में हमने रेंट पे लगाई है महीने पे, वहाँ पे उसका काम चल रहा है। अभी हमारे गांव में बरसात की वजह से दोनों भी व्हीकल अभी खड़ी ही है। आपके पास कौन सी मशीन है या ट्रैक्टर है हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।